मथुरा में दो दिन के अंदर दो मासूम बच्चों सहित एक युवक और एक महिला की हत्या। बागलपुर के जंगल में मिला महिला का शव। महिला के शरीर में मिले गोली के निशान। मौके पर स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। मथुरा के राजपुर गांव में पेड़ हटाने को लेकर हंगामा। कबीर आश्रम में हुआ पथराव। कई राउंड चली हवाई फायरिंग। स्थानीय लोगों ने हरियाणा से आए लोगों पर किया पथराव। कई लोग घायल। अमरोहा में वकील और सिपाहियों के बीच सड़क पर हुआ हंगामा। जमानत पर छूटे गौकशी के आरोपी को फिर से हिरासत में लेने की दो पुलिसकर्मियों ने की थी कोशिश। दो सिपाहियों पर अभद्रता का आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर के महमूदाबाद को दिया दीपावली का तोहफा। पाकिस्तान से जीता गया एक भारी युद्ध टैंक पहुंचा सीतापुर के महमूदाबाद। जिले की शान बनेगा तोहफा। टैंक को रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाहर किया गया स्थापित। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने दीपावली के त्यौहार पर मिलावटखोरी रोकने के लिए नई टिहरी बोराड़ी बाजार में चलाया चेकिंग अभियान। 70 खाद्य सामग्रियों के सैंपल जांच के लिए भेजे। टिहरी, चंबा, घनसाली, प्रतापनगर और लमगांव में की चेकिंग। आजमगढ़ में जवान को दी गई अंतिम विदाई। सेना के सूबेदार के नेतृत्व में दी सलामी। चीन बॉर्डर पर हालत हुई थी गंभीर। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। आगरा में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल हुई ताज नगरी आगरा। आगरा की आबो हवा होती जा रही दूषित। बढ़ता वायु प्रदूषण आगरा के लिए चिंता का सबब। नगर निगम टैंकर से करा रहा सड़कों पर पानी का छिड़काव। पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री और वरिष्ठ टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी का 75 साल की उम्र में हुआ निधन। गुरुवार रात करीब 9:22 पर हुआ निधन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुब्रत मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। गुजरात के वलसाड जिले के वापी में देर रात एक पेपर मिल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 6 घंटे बाद भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर रही मौजूद। आग से किसी के मरने या घायल होने की कोई जानकारी नहीं। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के हाथों हार झेलने के बाद वेस्टइंडीज की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, जिसके बाद ड्वेन ब्रावो ने संन्यास लेने की पुष्टि की।